के सेशन में हम करेंगे यूज बैकग्राउंड, जो VFX आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूज बैकग्राउंड काम आएगा जब आपको कोई भी एलिमेंट, CG एलिमेंट मतलब कंप्यूटर जनरेटेड एलिमेंट, किसी रियल फुटेज के साथ दिखाना है विथ शेडो, तो हम यूज करते हैं यूज बैकग्राउंड। व्यूपॉइंट में व्यू प्लेन के थ्रू आप कोई रियल फुटेज ले लो, मान लो मुझे घास में कुछ रखा हुआ दिखाना है, तो अपना ग्रिड का कैमरा एंगल जब सेट हो जाए, ग्रिड का जब कैमरा एंगल सेट हो जाए, तो अपने कैमरे को एक न्यू कैमरा ले लो, या इस कैमरे को फ्रिज कर दो ताकि इस कैमरे को मूव ना कर पाए। अब आप जो देखोगे दूसरे कैमरे से देखोगे, इसके ऊपर जो मर्जी चीज आप रेंडर करना चाहते हो रेंडर करो। जैसे मैं ले रहा हूं यहां से वाइजर से कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइब्रेरी मैंने मान लो बर्गर ले लिया और मुझे इस बर्गर को बहुत जेंट बर्गर है उसे रेंडर में दिखाना है, इसे कर दो कन्वर्ट टू पॉली। मॉडिफाई में जाके आप किसी भी चीज को कन्वर्ट टू पॉली कर सकते हो, इसे बोलते हैं पेंट इफेक्ट। तो कर दो पॉलीगन, पेंट इफेक्ट टू पॉलीगन। रेंडर करके देखते हैं, देखो बर्गर आ रहा है पर बर्गर इसके साथ मैच नहीं हो रहा क्योंकि शैडो नहीं है। जब तक शैडो नहीं होगी कैसे मैच होगा? तो आपको क्या करना है, लाइट्स लगानी है। इसके लिए रेंडरिंग में जाओ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्शनल लाइट्स, अभी लाइट्स का इंटरफेस नहीं बता रहा हूँ, वो लाइटिंग में आएगा। एक सिंपल सी लाइट्स ले रहा हूँ, ये लाइट रोटेट पे चलती है, लाइट के अंदर शेडो ऑन करना है आपको, शेडो ऑन करना है। सब रोटेट पे चलती है मतलब जैसे सन रोटेट होता है ऊपर, इस तरफ हो गया तो अंधेरा हो गया, इस तरफ हो गया तो डे लाइट आ गई। इंटेंसिटी बढ़ा सकते लाइट की, मुझे सन यहाँ से लाते हुए दिखाना है, तो डायरेक्शन भी उसके हिसाब से ही करना, पिक्चर के हिसाब से। देन क्या करना, रेंडर सेटिंग में माया सॉफ्टवेयर में यहाँ से रे ट्रेसिंग ऑन कर लेना और क्वालिटी को प्रोडक्शन कर लेना। अब मुझे नीचे ना शेडो चाहिए, फ्लोर पे फ्लोर नहीं है यहाँ पे, तो बर्गर के नीचे फ्लोर लगाएंगे तभी शेडो आएगी।
अब देखो फ्लोर पे शेडो आ रही है बर्गर पे, बर्गर पे तो इसलिए आ रही है क्योंकि डायरेक्शन वहां से है। लेकिन सर फ्लोर तो विजिबल है। हाँ अब फ्लोर विजिबल है ना, मुझे खाली शेडो वाला एरिया विजिबल करना है, बाकी सब ट्रांसपेरेंट करना है। तो राइट क्लिक फ्लोर के ऊपर, राइट क्लिक फ्लोर के ऊपर मटेरियल चढ़ाता हूँ, यूज बैकग्राउंड। अब देखो क्या हुआ, फ्लोर गायब हो गया और बर्गर शेडो और बर्गर की रिफ्लेक्शन आ रही है। अगर आप चाहते हो बर्गर की रिफ्लेक्शन ना आए तो यूज बैकग्राउंड के अंदर रिफ्लेक्टिविटी है जीरो कर दो तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। रिफ्लेक्शन इसलिए आती है जैसे आपको कोई बारिश का सीन दिखाना है तो रिफ्लेक्शन यूज करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज के साथ कोई भी एलिमेंट मर्ज कर सकते हो। सर जैसे बिल्कुल रियलिस्टिक होता है वो लाइटनिंग और टेक्सचरिंग अच्छे से होती है, कलर करेक्शन। हाँ लाइटनिंग वीरे से या आर्नोल्ड से करोगे तो एकदम रियल लगेगा। समझ आया? अगर ये शेडो ना होती तो ये फ्लोर के साथ मर्ज नहीं हो पाता। समझ आया? यूज बैकग्राउंड बहुत काम की चीज है। सर आपने ग्रिड उसी हिसाब से रखी जैसे फ्लोर है, कैमरा एंगल के हिसाब से। ठीक है तो आज क्या करो, ये यूज बैकग्राउंड करो और कोई VFX का सीन बनाओ। यस हरप्रीत। कौन से वाला? देखो ये था यूज बैकग्राउंड, अब आप आगे करते हैं जिसे बोलते हैं अनरैपिंग। एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स को एक्सट्रूड करते करते उसके यूवी खराब हो गए, यूवी मतलब कोऑर्डिनेट। इस पर चढ़ाते हैं हम ब्रिक्स का टेक्सचर। अब देखो टेक्सचर बिल्कुल खराब आ रहा है, मुझे नॉर्मलाइज करना है, परफेक्ट करना है। तो कैसे करोगे? ये सारे पॉलीगन सेलेक्ट करें। ये पॉलीगन क्या, एक ही एक्सिस में फ्लैट है तो फ्लैट को बोलते हैं प्लेन, प्लानर। तो यूवी में जाना, यहाँ से ले लेना प्लानर। ठीक है प्लानर लिया। अब देखो कौन सा एक्सिस है ये वाला जिसमें प्लानर लेना है, एक्स। तो यहाँ से ऑन कर लेना एक्स, अप्लाई। देखो एक मिनट के अंदर आपका टेक्सचर ठीक हो गया। और उसके बाद भी आप टेक्सचर को मॉडिफाई कर सकते हो इस टी की हेल्प से, टी की हेल्प से रोटेशन मूवमेंट दोनों आ गई। स्केलिंग भी कर सकते हो, टी पे क्लिक करोगे बंद हो जाएगी, फिर पे टी के पे क्लिक करोगे वापस आ जाएगी। तो ऐसे आप अपने टेक्सचर को सही कर सकते हो। ठीक है तो ये करना है हरप्रीत, करो यहाँ तक।